हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? बहुत आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी तरह अपने घर के कामों में लगे होंगे। लेडीज़ को और क्या है, लेडीज़ को सुबह होए तो सुबह होते ही अपना काम में शुरू हो जाती है, और क्या कर सकती हैं, वो हाउसवाइफ हो तो उनको घर के ही काम करने होते हैं। तो मैं भी आज शुरू हो गई घर के कामों के लिए। ये मेरे बेटा गन्ने से खेलता है और रात को यहीं गन्ना रख देता है। और ये मेरे बेटे का कमरा है, देखिए कैसा फैला पड़ा है, हर जगह वो फैला ही हुआ है। क्या कर सकती है हाउसवाइफ को, तो सारी जगह सुबह सुबह इतना काम होता है, यहाँ फैला वहाँ फैला, और घर ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो अपना घर लगता ही नहीं। यहाँ सफाई वहाँ सफाई, ये करो वो करो, और हाउसवाइफ को कोई इतनी मान्यता भी नहीं देता है। वो सोचते हैं हाउसवाइफ ऐसी ही होती है, कोई काम नहीं करती है। पर आप देखिए ना, अगर घर का काम हाउसवाइफ जो होती है कितना संभाल के रखती है, घर को कितना मेंटेन करके रखती है। नौकरी वाले जो होती हैं वो भी फिर भी अपना 8 घंटे अपने घर से दूर रहकर थोड़ा बहुत शांति प्राप्त कर लेती हैं, पर जो हाउसवाइफ होती हैं वो उनको शांति मिलती ही नहीं है। कभी यहाँ से आवाज़, कभी वहाँ से आवाज़, कभी बेल बज गई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ हो गया। तो कई काम, एक तो मेरे हस्बैंड भी नीचे शॉप है तो उनकी बेल बजती रहती है कि अब ये काम है वो काम है। और देखिए मैं अपने बेटे के कमरे को साफ़ कर रही हूँ, यहाँ पर देखिए मैं पिल्लों को ठीक कर रही हूँ। मेरा बेटा पूरा दिन ऑनलाइन क्लास यहीं पे बेड पे बैठ के लेता है, तो पिल्लों को देखो कैसे कर देता है, और इसको मेरे को सुबह सुबह डेली सही तरह करना पड़ता है। और ऐसे ही सारी सफाई मैं करती हूँ और सारा सेटिंग कर देती हूँ, ताकि वो पूरी सेटिंग हो जाए अच्छी तरह, तो आराम से आकर मेरे को लगता है कि घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। जब वो नहाने जाता है तो मैं पीछे से उसका पूरा बेड साफ़ कर देती हूँ, ताकि वो, एक तो मेरा भी काम ख़त्म हो जाएगा और दूसरा वो आकर पूरी अच्छी तरह बैठ जाएगा यहाँ पर अपनी क्लासे लेने। तो फिर मैं ऐसे ही देखिए पूरी झाड़ पहुँच करके अच्छी तरह सेट करके पूरा सेट कर देती हूँ कमरा। लो जी, मैं अब दूसरे कमरे में आ गई हूँ सफाई करने। ये ज़्यादातर मेरे हस्बैंड का कमरा है, वो यहाँ पे ज़्यादातर बैठते हैं, टीवी देखते हैं, सब काम यहीं पे ज़्यादा रहते हैं। और जो दूसरा कमरा था उसमें मैं और मेरे बेटा ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ से किचन पास है। तो मेरे हस्बैंड, मैं तो पीछे अब सफाई कर रही हूँ। और देखिए जी, औरतें तो घर के कामों में ही लगी रहती हैं, और देखो मैं यहाँ सफाई कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड अब पार्क चले गए। अच्छी बात है, पार्क भी जाना ज़रूरी है। वो 2 घंटे वहाँ लगा के आते हैं, अपना सैर करके आते हैं और अपना टाइम पूरा स्पेंड करके आते हैं। अच्छी बात है, अपने आप को फिट रखते हैं। फिट रहना आजकल की कोरोना टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को फिट रखो, अच्छा खाओ पियो, यही ज़िंदगी है। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम में। अब मैं ड्राइंग रूम की सफाई करूँगी। और ये है हमारा सोफ़ा। सोफ़ा देखिए देखिए कितना अच्छा है। मैं डेली इसकी सफाई करती हूँ, डेली झाड़ती हूँ, डेली इसको वो करती हूँ। और देखिए ये 10 साल पुराना सोफ़ा है, और जो कोई आता है हमारे घर में तो यही कहता है कि आपका सोफ़ा बड़ा सुंदर है, क्या आपने अभी सोफ़ा लिया है? मैं कहती हूँ नहीं, ये हमारा 10 साल पुराना है। तो सारे हैरान होते हैं, क्योंकि मैं इसको काफ़ी मेंटेन करके रखती हूँ, और जो साल 6 महीने में इसको मैं डस्टिंग वगैरह तो करती हूँ, साथ साथ इसकी डीप क्लीनिंग भी कर देती हूँ। वो मैं आपको अपने आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी कि सोफ़े की डीप क्लीनिंग आप कैसे करें और इसको कैसे अच्छा रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ की पूरी सफाई कर रही हूँ, और ऐसे ही
घर के कामों में टाइम का पता भी नहीं चलता और आपका मन भी लगा रहता है। वैसे तो घर के काम, अगर आपका घर मेंटेन हो, साफ सुथरा हो, तो फ्रेंड्स वैसे ही बड़ा मन करता है, मन अच्छा लगता है आपको, अपने घर में रहने का मन करता है, कहीं बाहर जाने का इतना मन नहीं करता, आप अपने घर में ही खुश रहते हैं। और इसके लिए मैं अपने घर को, ये है कि मेरा घर सेट रहे तो अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति सी मिलती है। और मैं हर जगह में अपने घर को, ओके फ्रेंड्स, नमस्कार।